हाय गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। यार आज जा रहा हूँ ट्रैम स्कैम्बलर की फर्स्ट सर्विस कराने। इसके सारा आपको शेयर करूँगा इन्फॉर्मेशन, जो भी एक्सपीरियंस मेरा रहेगा, और इसके फ्रंट डिस्क ब्रेक भी मैं चेंज कराऊँगा। और अभी अगर आपने मेरे पिछले दो ब्लॉग्स नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर देख लीजिए। मसूरी राइड पर मैं इस बाइक को लेके गया था विद वाइफ, और बाइक ने जो वहाँ परफॉर्मेंस दिए ना यार, मेरा दिल जीत लिया। इसी बात पर मैंने इसका नाम दिलजीत रख दिया है। और आप सबके साथ आज शेयर करूँगा। यस, एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन मेरी थी जो मैं उन ब्लॉग्स में बोलना भूल गया। इसके जो ये लेफ्ट वाला हैंड गार्ड है, ये लूज़ हो गया था बाइक राइड करते करते। पता नहीं कैसे लूज़ हुआ, लेकिन मैंने बाइक राइड करते करते ही हाथ से ही उसे टाइट कर दिया था, और उसके बाद वो दोबारा लूज़ हुआ नहीं। इसके अलावा मुझे बाइक में इतना सा भी प्रॉब्लम नहीं आया। ऑलमोस्ट 700 किलोमीटर की मैंने राइड की और विद पिलियन। मेरे को यार, जो मैं इस बाइक के बारे में बोलना चाहूँगा ना, 120 किलोमीटर की स्पीड तक ये आराम से क्रूज़ कर सकती है हाईवेज़ पे, और सिंगल में उससे भी ज़्यादा। अभी तो हम पिलियन के साथ गए थे तो 110-115 पे मैं इसे चला रहा था, क्योंकि अभी 6000 आरपीएम से कम मेरे को इस बाइक को रखना था। तो अभी तक का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। बाकी आज चल के आपको दिखाता हूँ ट्रायम्फ की सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस कैसा है, और फर्स्ट सर्विसिंग में इसका क्या क्या चेंज होता है, कितना बिल आता है, क्या सारी बातें आप लोगों को भी ध्यान रखनी चाहिए, वो सब बातें भी मैं आपको बताता हूँ। पिछले ब्लॉग में यार कुछ लोगों ने अलग अलग तरह के सवाल पूछे, जैसे कि ये फ्यूल में जो इंडिकेशन है मीटर में कंसोल में, वो ठीक है भैया या ठीक नहीं दिखाता। तो देखो, अभी भी इसमें ऑलमोस्ट 4 पॉइंट हैं, 8 पॉइंट टोटल हैं इस बाइक में, और मैंने ये चलाई है अभी तक 200 किलोमीटर के अराउंड मैंने चला ली है, और वो बिल्कुल इंडिकेशन ठीक दिखा रहा है। इसके लो फ्यूल की लाइट जली थी उस राइड पे ऑलमोस्ट, जब इसमें 3.75 लीटर के अराउंड पेट्रोल बचा था, उससे पहले ये बिल्कुल ठीक पॉइंट वाइज डिक्रीज़ हो रही थी। ये सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक है। हैंडलिंग यार इसकी बहुत मस्त है। मैंने गड्ढों में पिलियन के साथ 70 की स्पीड पर, 80 की स्पीड पर भी चलाया बाइक को, एक हाथ से भी चलाया, और बहुत अच्छा कंट्रोल है, बहुत अच्छा निम्बल है यार। बहुत हैवी नहीं फील हुआ मुझे पूरा एक एक दिन मैंने राइड किया इसको, बाइक बिल्कुल भी हैवी फील नहीं हो रही थी। सस्पेंशन सारी चीज़ें एब्जॉर्व कर लेते हैं। यस, मैं आप सबको बता दूं, सस्पेंशन बहुत बेहतरीन है यार। आपको दिखेगा नहीं बाइक का बड़ा बड़ा सस्पेंशन है, लेकिन काम जो करता है ना, वो दिखने वालों से ज़्यादा अच्छा काम करता है सस्पेंशन। बहुत अच्छा सस्पेंशन है। दूसरा यार, माइलेज जब मैं हिल्स से नीचे उतरा तो इसकी जो मुझे माइलेज मिली ऑलमोस्ट 28 किलोमीटर पर लीटर की मिली, जिसमें मैं और पिलियन थे। और यार वहाँ पर हम ट्रैफिक जैम में भी फंसे हुए थे फर्स्ट मसूरी, और आते वक्त हाईवे पे माइलेज अच्छी देती है, लेकिन जब आप हिल्स पे जाते हैं, हिल क्लाइम करते हैं, तो लो गियर्स में ज़्यादा चलती है बाइक। तो यस, माइलेज इसने 28 की दी, और अभी तक इसकी फर्स्ट सर्विस हुई नहीं है, और बाइक टोटल चल चुकी है 1100 समथिंग। आज इसकी फर्स्ट सर्विस होगी, उसके बाद शायद माइलेज और ज़्यादा निकल के आए। 1126 किलोमीटर अभी बाइक चल चुकी है। हीटिंग से रिलेटेड भी यार सवाल मेरे सामने आया था, तो बाइक देखो यार, हाईवे पे तो बिल्कुल भी हीट नहीं किया है, और हिल्स पे भी नहीं किया हीट। यस, सिटी में जब आप ट्रैफिक जैम में फंस जाते हैं, अगर आप नॉर्मल स्टॉप एंड गो ट्रैफिक है, जैसे सिग्नल पे रुके तो इंजन स्विच ऑफ कर दीजिए, आप जाइए, आपको हीट फील नहीं होगा। लेकिन यस, आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक जैम में आप फंस जाते हैं तो ज़रूर इसमें हीट फील होता है, और वो हीट फील होगा ही होगा यार, क्योंकि देखो जो हीट मैनेजमेंट सिस्टम बाइक का बनाया है ना, वो राइडर की हीट को मैनेज करने के लिए नहीं बनाया है, बाइक की इंजन की हीट को मैनेज करने के लिए बनाया है। वो करता क्या है, इंजन को अंदर से ठंडा रखने के लिए जो हीट है उसे एक्सट्रैक्ट करके बाहर थ्रो करता है। तो जब वो बाहर थ्रो करता है तो हीट कहाँ जाएगी, जब आप बाइक चलाते हो तो आपको पैरों पर फील होगी, वो एक नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक है यार हाई परफॉर्मेंस बाइक्स का। आप उसको एनी वे मत लीजिए, कि उसको मतलब कोई भी एडवांटेज या डिसएडवांटेज मत लीजिए, वो किसी भी बाइक चाहे नई हिमालयन हो या कोई भी, सब में हीट आएगा ही आएगा, अगर वो अच्छी खासी परफॉर्मेंस देगा, अच्छी खासी पावर प्रोड्यूस करेगा तो। तो ये लो भैया, आ गए हैं ट्रायम्फ के सर्विस सेंटर। और यार ये चीज़ बताना भूल गया था, ये देखो यहाँ पे ना एक स्पैनर बना हुआ है, ये 1000 किलोमीटर के बाद ये इंडिकेट करने लग गया था, इसका मतलब होता है सर्विसिंग आप इसकी करा लीजिए। तो आ गए हैं अभी सर्विसिंग कराने। तो कौन करेगा भैया सर्विस? हाँ, बाजू वाले गेट पे वही बनेगा, और
अच्छा भाई, आप ही के बंदे इधर लेके आए क्या? ठीक दादी हैं यार इनको, सबसे पहले बाइक का हो रहा है वॉशिंग और उसके बाद ये ले जाएंगे सर्विसिंग पे। तो देखते हैं, अभी बोला इन्होंने 1 या 2 घंटे में बाइक वापस दे देंगे, तो अच्छा है, जितना जल्दी मुझे बाइक वापस दे देंगे तो मैं कुछ और भी एक्सप्लोर कर सकता हूँ। इसके लिए जो एक्सेसरीज लेनी है, टेल बैग वगैरह, ये देखो अंदर स्टॉक खड़ा है नई बाइक का। वाह नई बाइक देख के, नई बाइक्स में से जो स्मेल आती है ना यार, क्या मतलब, एक राइडर को बड़ा पसंद है यार नई बाइक की स्मेल। तो देखो यार, अभी वीडियो तो शूट नहीं कर सकते, परमिशन नहीं मिली है, लेकिन बैच प्लेट खुलती है नीचे इंजन ऑयल निकालने के लिए, और बैच प्लेट की आप क्वालिटी देख सकते हो यार, अच्छी खासी हैवी बैच प्लेट है, मतलब नीचे से लगता नहीं है लेकिन 2 से 2.5 किलो की तो है बैच प्लेट, और काफ़ी मजबूत है, स्टर्डी है। बाकी चीज़ें अभी बताऊँगा आपको। अभी सर्विसिंग तो हो गई है, लकीली मुझे 2-3 एक्सेसरीज बाइक के लिए चाहिए थी, वो मुझे मिल गई है, तो वो भी इंस्टॉल हो रही है, वो मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या इंस्टॉल मैंने कराया है। मनीष भाई मिल गए हैं, इनका यूट्यूब चैनल है, काफ़ी फेमस है यूट्यूब पे, ट्रैवल एंड बाइट। तो इनकी बाइक देख के मैं समझ गया था शायद मनीष भाई आ गए हैं। मैं एक्चुअली फॉग लाइट जो मुझे इंस्टॉल करानी है, मैड डॉग की स्काउट एक्स इन्होंने इंस्टॉल ऑलरेडी कराई हुई है, तो उसके बारे में हम बात कर रहे थे। और मनीष भाई अभी हिमालयन के लिए भी सोच रहे हैं 450 जो नई आई है, तो उस बारे में भी डिस्कशन चल रहा था। मनीष भाई आप क्या कहना चाहोगे इस बाइक के बारे में, हैंडल के बारे में, आप कुछ भी कहना चाहे मेरे यूट्यूब चैनल पे? फर्स्ट टाइम बाइक का मैंने वीडियो कल ही देखा, और यूट्यूब पे देखा था मैंने, यहाँ पर सर्विस सेंटर है तो पहचान गया, और बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं, तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो भाई को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अच्छी होती है लाइक भी कर लो और शेयर भी कर लो। बाइक दे दी है नीचे सर्विस सेंटर, बेसमेंट में है, वहाँ सर्विसिंग चल रही है। तब तक मैं ऊपर राउंड मारने आया तो विनीत मुझे मिले और खुद मेरे पास आके बोले, हाय मेरा नाम विनीत है। मैंने कहा हाय यार, तो इन्होंने बोला मैं अभी आपका ब्लॉग देख रहा था, आई एम योर सब्सक्राइबर। तो मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली का फर्स्ट सब्सक्राइबर आज मुझे मिले, और यार जो सब्सक्राइबर से मिलने की फील है ना, वो एक अलग ही है और मेरा आपसे वादा है कि ये छोटी सी प्यारी सी जो यूट्यूब फैमिली है, इसको बिग और ग्रेट यूट्यूब फैमिली अपन लोग बना के छोड़ेंगे। और विनीत आज ले रहे हैं, मैंने भी एक स्क्रैम्बलर परचेज करी है और मैं आज उसकी डिलीवरी ले रहा हूँ। तो ये आज ग्रीन बीस्ट ले रहे हैं, ग्रीन स्क्रैम्बलर मैट कलर में, बहुत प्यारी है। अभी इनसे थोड़ा वार्तालाप भी हुआ विनीत से, बहुत अच्छा लगा यार मिलके। हर घर आ गया सर्विस सेंटर के अंदर, उनके प्रीमाइसेस में शूटिंग करना अलाउड नहीं है, लेकिन यस उन्होंने ईमानदारी से ये बात बोली और मैंने उसको रिस्पेक्ट किया। उन्होंने बोला लेकिन सर आप जो बे के चारों तरफ एक ब्लैक लाइन उन्होंने मारी हुई है कि आप उसके बाहर खड़े होकर अपनी पूरी बाइक का सर्विसिंग जो हो रहा है नहीं हो रहा है आप पूरा अपनी आंखों से देख सकते हैं, आपको हम वो अलाउ कर सकते हैं, लेकिन शूट करने के लिए हमारा कंपनी का प्रोटोकॉल है, सो वी कांट अलाउ फॉर शूटिंग ओवर देयर। तो यार बाहर खड़े होके वहाँ बाइक के पास मैंने पूरा यार प्रॉपर देखा जो सर्विसिंग वो कर रहे थे, उसमें यार 2-3 चीज़ें मेरी ऑब्जर्वेशंस रही, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो यार बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि 16,000 किलोमीटर पे सर्विसिंग है, यस ये बात कहीं ना कहीं सही भी है और कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलत भी है। मेरे को उन्होंने एक्चुअली बोला सर 16,000 किलोमीटर पे सर्विसिंग होगी, लेकिन आपको हर 5,000 किलोमीटर पे आके बाइक को चेक कराना है। अगर आप हर 5,000 किलोमीटर पे जाके बाइक को चेक कराएंगे तो उन्होंने बोला ऑयल का लेवल, कूलेंट का लेवल, डिस्क पैड या कुछ और, क्लच वायर, रेस वायर, या बाइक का ईसीयू कोई अपडेट आया है या बाइक में कुछ और प्रॉब्लम है, तो वो उसको हर 5,000 किलोमीटर पे एनालाइज करेंगे जनरल चेकअप के दौरान और उस चीज़ को ठीक भी कर देंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपने बाइक ले ली तो 16,000 किलोमीटर तक आप नॉन स्टॉप चलाते रहो, ये एक मिसकम्युनिकेशन यूट्यूब पे काफ़ी फैला हुआ है, तो ये चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ। यस प्रॉपर सर्विसिंग जो होगी वो 16,000 किलोमीटर पर ही होगी, लेकिन इन बिटवीन 16,000 किलोमीटर से पहले अगर बाइक में कुछ अपडेशन या कुछ कमी है तो वो भी वो लोग पूरा कर देंगे। तो ये बात सुन के मुझे काफ़ी रिलीफ मिला कि यार 16,000 किलोमीटर का जो मैंने भी सुना है तो वो कितना, तो वो सच्चाई एक्चुअली ये है। तेल टीम का मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, लेकिन सर्विसिंग में कहीं कहीं मुझे कुछ कुछ चीज़ें नोटिस हुई हैं, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले उन्होंने किया क्या क्या है, एक तो यार इंजन ऑयल डाला है 2 लीटर फुली सिंथेटिक, और वो इंजन ऑयल जो है यार प्रोल्यूब करके है, कंपनी HP का है एक्चुअली, तो वो 10W15 का जो है उसमें ग्रेड डलता है,
तो मैंने यार उनसे पूछा, यार HP का डाल रहे हो आप, लिक्विमोली या मोटूल या अच्छे अच्छे ब्रांड है, आप उनका नहीं डाल रहे हो? बोला सर कंपनी रिकमेंडेड यही है। वो एक 2 लीटर का प्रॉपर सील पैक कैन मेरे सामने, उन्होंने पूरा इसको यहाँ से बैश प्लेट खोल के इंजन ऑयल निकाला, पूरा बैश प्लेट खुलती है तब इंजन ऑयल निकाला 2 जगह से, और ऑयल फिल्टर यहाँ पे उन्होंने डाला है इसी तरफ, और एक यहाँ पे वो बोल रहे थे इंजन व्हाट आई से ऑयल स्टेनर करके एक और है यहाँ पे, प्लास्टिक की जाली टाइप जैसा ऑयल फिल्टर होता है लेकिन वो प्लास्टिक का है, वो चेंज नहीं होता है कभी भी अंटिल अनलेस वो बिल्कुल ख़राब या टूट ना जाए, उसको भी उन्होंने क्लीन किया। वो भी एक तरह से फिल्टर है, अगर अंदर क्लॉट्स बन जाते हैं ऑयल इंजन ऑयल में तो वो उनको पकड़ लेता है, उनको रखे इंजन में दोबारा फ्लोट नहीं होने देगा। तो वो दो चीज़ें वो मैंने फर्स्ट टाइम देखी, रॉयल एनफील्ड में 10 साल से चला रहा हूँ तो वो उसमें कभी नहीं था, इस बाइक के इंजन में यहाँ पे ऑयल स्टेनर भी उन्होंने डाला हुआ है। एयर फिल्टर की जहाँ तक बात है यार, उन्होंने ना एयर फिल्टर खोला ना क्लीन किया, मैंने उन्हें बोला भी पर्सनली कि भैया एयर फिल्टर भी क्लीन कर दो, उन्होंने बोला सर 5000 किलोमीटर पर जब आप आएंगे जनरल चेकअप कराने तब वो हम क्लीन करेंगे और चेक करेंगे, चेंज करना है क्लीन करना है। मैंने कहा आपको श्योर? बोले सर 1000 किलोमीटर पे वैसे कुछ होता नहीं है, ये बात मुझे भी बता दी तो मैं उस चीज़ को इजीली एग्री कर गया। दूसरा यार, मैं एक स्पीड बाइक के डिस्क पैड इसमें डलवाने गया था, वो मैंने 2 वजह से नहीं डलवाई। फर्स्ट वजह तो यार ये है, जब मैं इसे मसूरी राइड पे लेके गया, जो भी मेरे पिछले 2 ब्लॉग है आप देख सकते हैं, मैं वाइफ को लेके गया था एज ए पिलियन, तो बाइक ने यार बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, और उसके बाद यार 2 दिन मैंने हाईवे पे, हिल्स पे, ऑफ रोडिंग पैचेस भी आए, अच्छे पैचेस भी आए, हाईवे पे भी मैंने अच्छी खासी स्पीड पे इमरजेंसी ब्रेकिंग भी 1-2 बार की। तो यार कहीं ना कहीं एक तो मैं इन ब्रेक्स के साथ थोड़ा सा फेमिलियराइज हो गया, मेरी माइंड बॉडी जो है सिंक हो गई ब्रेकिंग सिस्टम के साथ, इसलिए मैंने चेंज नहीं कराया। दूसरा बड़ा रीज़न था यार प्राइस। यार ब्रेम्बो के स्पीड के ओरिजिनल वाले ब्रेक्स लगभग 2800 रुपये के थे, तो वो एक बड़ा रीज़न था, मैंने इसलिए भी वो चेंज नहीं कराए। और इसके भी ब्रेम्बो के ही हैं लेकिन डिस्क पैड में हल्का फुल्का फ़र्क है, वो स्पॉन्जीनेस इसमें है, उसमें क्विक बाइट आती है। तो मैंने सोचा यार अभी 2800 रुपये में मुझे बहुत कुछ सामान लगवाना है, ये बिल भी मेरा 10000 रुपये का आया हुआ है, कैसे आया वो मैं अभी शेयर कर लेता हूँ। ये यार मैंने अभी के लिए चेंज नहीं कराया, मैं मुझे यही ठीक लगा, जब ये घिस जाएंगे, जब चेंज ही कराने होंगे तब मैं स्पीड वाले इसमें डलवा दूंगा। तो डिस्क पैड का तो हो गया मैटर ये। इसके बाद यार उन्होंने ऑयल चेंज किया और ECU अपडेट किया, एक यहाँ पे बजाज का एक डिवाइस लगाया अंदर, उस पर बजाज का लोगो लगा हुआ था, वो उसने मोबाइल से कनेक्ट किया, ऑनलाइन ऐप से उसने मोबाइल से बाइक का ECU अपडेट किया। हाउएवर मेरी बाइक में कोई प्रॉब्लम आ नहीं रही थी। यस, उसने हैंडल थोड़ा ज़्यादा टाइट कर दिया जब मैं आया, मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई, और हैंडल टाइट होने की वजह से मुझे थोड़ा सा बाइक चलाने में मज़ा कम आ रहा है। अभी मैं हैंडल लूज़ कराने जाऊँगा जब अभी दोबारा विजिट करूँगा। तो इसके अलावा बाइक की यार 2 चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की। एक तो यार जब सर्विसिंग करते हैं, सर्विसिंग से पहले इसे वॉश करते हैं, सिर्फ वॉश करके सर्विसिंग पे चली जाती है, सर्विसिंग होके वापस वॉशिंग पॉइंट पे आती है, वॉशिंग पॉइंट पे वो इसकी चेन ल्यूब और क्लीन करते हैं। तो यार ये मेरे को बड़ा अजीब लगा, वो लोग चेन ल्यूब जो कर रहे थे, इंजन ऑयल एक उन्होंने प्लास्टिक की शीशे में डाला हुआ था जिसमें आगे पतली सी नोब लगी हुई थी और उससे वो चेन को ल्यूब कर रहे थे। मैंने पूछा ये क्या कर रहे हो, और पैसे उन्होंने चेन ल्यूब के जोड़े हैं 125 रुपीज़, और एक उन्होंने जो बिल में अमाउंट जोड़ा है कंज्यूमेबल्स करके 92 रुपीज़, मैं आपको बिल भी यहाँ पे साइड में डाल दूंगा, ये ऑलमोस्ट 210 या 220 रुपीज़ के अराउंड उन्होंने जो जोड़े हैं, ये मुझे ठीक नहीं लगा। मैंने उनसे पूछा भी कि भैया आपने बोला था व्रुत का जो है चेन ल्यूब और चेन क्लीनर से इसको करेंगे, उनको बोलने के बाद भी यार उनको कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ा नहीं। तो और यार ये चीज़ ट्रायंफ में जाके भी आपको ये आरी वाली चीज़ें फील होती है ना, तो ये देखने को मिलता है, तो मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, पसंद नहीं आई। हाउएवर बहुत छोटी सी चीज़ है, मैं मोटूल का अपने घर रखता हूँ हमेशा, मैं खुद भी चेन ल्यूब करूँगा ही करूँगा, लेकिन यार ये थोड़ा सा जो चीटिंग वाला जो मुझे लगा ना, मैं अपनी आँखों से बाई चांस वहाँ पहुँच गया कि बाइक को यार बहुत टाइम लग गया, तब मैंने देखा वो तो ऑयल से ही ल्यूब कर रहा है चेन को, तो यार ये चीज़ मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी।
मैं इसके अलावा मैंने तीन चीज़ें खरीदी है, विंडशील्ड, इंजन गार्ड और ये देखो विंडशील्ड में यार इन्होंने ट्रायंफ ने झोल किया है वेबसाइट पे। पहले विंडशील्ड 300 रुपए का इसका ब्रैकेट्स थे जिसपे ये शील्ड टिकेगी ये वाली, और 400 रुपए के अराउंड ये विंडशील्ड थी ये। लेकिन अभी जब उस दिन उन्होंने 2000 रुपए समथिंग बिल में जोड़ा, मैं अभी इसकी भी फोटो डाल दूंगा, तब मैंने उनसे पूछा यार 2000 रुपए ये तो 400 रुपए की वेबसाइट पे है। जिन लोगों ने वेबसाइट पहले से जो थोड़ा ऑब्जर्व कर रहे हैं टाइम की, उन्हें मालूम होगा ये 400 रुपए की डाली हुई थी, 700 रुपए का पूरा सेट था जब आप कॉन्फ़िगर करने जाते थे तो मैं उसमें जोड़ता था, तो 700 रुपए में विंडशील्ड उसमें ऐड ऑन होती थी। अब 2000 रुपए की उन्होंने ये प्राइस बढ़ा दिया है चुपके से, और 300 रुपए का ब्रैकेट लिया, और 80-90 रुपीज़ का मैं बिल इसका फ़ोटो डाल ही रहा हूँ, तो ये ऊपर नंबर प्लेट का भी इन्होंने वो लगाया है। इंजन गार्ड जो मुझे पड़ा है लगभग 2000 रुपए का पड़ा है, और जो टॉप रैक प्लेट है मुझे लगभग 2658 रुपीज़ की पड़ी है, और इस पे उन्होंने लेबर चार्जेस 1000 रुपये जोड़ने के लिए बोल दिया। मैंने कहा यार ये तो आप अगर आप 1000 रुपये लेबर चार्जेस पहले बताते तो मैं आपसे फिट ही नहीं कराता, मैं खुद ही फिट कर लेता, क्योंकि इसमें कुछ टेक्निकल वायर वगैरह वाला सिस्टम तो है नहीं, नट बोल्ट खोलने और लगाना है तो मैं खुद भी लगा सकता हूँ। तो फिर थोड़ा बोलने के बाद उन्होंने 750 प्लस टैक्सेस करके 885 रुपीज़ लेबर चार्जेस इसके जोड़े, क्योंकि ठीक है चलो लेबर चार्जेस का इतना मुद्दा नहीं है मेरे लिए, बट यार वो जो ल्यूप वाला और ये कंज्यूमेबल जो इन्होंने जोड़ा है ना, ये मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक नहीं किया है उन्होंने। इस और मैंने ऑब्जर्व की कि जो कूलेंट की जो आपको यहाँ पे टैंकी दिखती है ना यार, जितनी दिखती है ये उतनी ही है, लगता है ऐसे कि बहुत बड़ी है लेकिन नहीं, वो जितना मेरा पाम है पूरा हाथ है उतनी ही बड़ी है वो, तो उसमें जो कूलेंट है वो कम ही है। जितना कूलेंट है वो उन्होंने बोला कि रेडिएटर में ऑलरेडी फ्लोट करता है, वहाँ पे सिर्फ थोड़ा बहुत लेवलिंग के लिए वहाँ पे डाला हुआ है, तो ये चीज़ भी एक देखने वाली थी। इसके अलावा और मैंने क्या ऑब्जर्व किया है, एक यार यस बाइक ना कभी कभी मिस मारती है, बाइक स्टॉल हो जाती है, जैसे ही चलाते चलाते आप क्लच को दबाएंगे तो बाइक बंद हो जाती है थर्ड फोर्थ या फिफ्थ गियर में भी, और ये मैंने उन्हें बोला भी, और जब मैं वापस लेके आ रहा था एक बार फिर से यही हुआ, उन्होंने बोला सर अपडेट कर रहा हूँ ECU और प्रॉब्लम आ रही होगी तो ठीक हो जाएगी, लेकिन वो ठीक नहीं हुई है अभी भी। और इसके अलावा वाइब्रेशन से रिलेटेड मैंने उनसे पूछा कि भैया फुट पैक पे थोड़ा बहुत वाइब्रेशन आता है, क्या आप इसके लिए कुछ करने वाले हैं, तो बोला सर इसमें कुछ नहीं करेंगे, बाइक बिल्कुल न्यू है। यस इंजन ऑयल और ये सब चेंज होने के बाद जब मैं घर तक लेके आया तो हल्का सा स्मूथनेस बढ़ गई है, वो बढ़ेगी ही, इंजन ऑयल नया डला है, तो वाइब्रेशन यार देखो मुझे वैसे भी इस बाइक में इतनी लगती है नहीं, जो हल्की फुल्की है वो 80-90 की अबव जैसे ही आप जाते हैं बिल्कुल मक्खन बटरी स्मूथ हो जाती है। मैंने तो यार बाइक को चलाया है और आने वाली मेरी राइड्स धुआंधार होने वाली है, हिल्स की होंगी या हाईवेज की होंगी जहाँ की भी होंगी, अब बाइक को मैं कहीं भी ले जा सकता हूँ, आपको बाइक को दिखाता भी हूँ इसकी एक्सेसरीज कैसी लग रही है। ये तीनों चीज़ें लगने के बाद बाइक बहुत अच्छी सुंदर और यार थोड़ा सा ना हाईवे टूरिंग वाली बाइक लगती है, ये सब लगने के बाद बाइक थोड़ा बड़ी भी लग रही है और थोड़ा सा ऊंची भी लग रही है, आगे से विंडशील्ड लगने के बाद इसकी लुक्स भी एनहेंस हो गई है। तो आपको अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, आपके काम की हो, तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, आगे आने वाले ब्लॉग्स का सपोर्ट करें। आज के लिए आपका लविस्ता, टाटा बाय बाय।